एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से इस वक्त ये कि कीव पर रूस के हमलों पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोपहर 4:30 बजे एक बार फिर कीव पर हमला हुआ है। महिला अस्पताल पर गिरी है रूस की मिसाइल, ये जानकारी मिल रही है। 7 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई है इस हमले में और 3 लोग घायल हो गए हैं। रूस के हमले से कीव में 31 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा अपार्टमेंट और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नुकसान के आंकड़े बता रहे हैं कि कीव पर इतने भीषण हमले कभी नहीं हुए। नीप्रो नदी के दोनों तटों पर बसे कीव के हर कोने में रूस की मिसाइलें बरसी हैं। कीव में जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है। 10 से ज्यादा क्षेत्रों में तबाही हुई है। कीव के मेयर ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। मलबे से लोगों की मदद मांगने की आवाजें आ रही हैं। कीव ध्वंस के लिए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। कीव में आपातकाल लग चुका है। देखिए पुतिन की मिसाइलों का क्रोध कैसे यूरोप की राजधानी पर बरसा है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी और पांचवी तस्वीर। यह कीव में विध्वंस का छोटा सा परिचय है। यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन के क्रोध की अनगिनत तस्वीरें हैं। धमाके हैं, धुएं का गुबार है, लपटे हैं मलबे के ढेर हैं। मलबे में लाशों के दबे होने की आशंका है, चीत्कार है। करीब एक साल में कीव पर इतने विध्वंसक हमले नहीं हुए जितने 8 जुलाई 2024 को किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान कीव में बच्चों के अस्पताल में हुआ। रूस के मिसाइल हमले से ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अस्पताल परिसर में मलबे का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। हमले के बाद कीव के लोग अस्पताल का मलबा साफ करने में जुट गए। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरा दिन अस्पताल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ध्वस्त इमारत से बच्चों के शव बाहर निकाले गए। कीव के इस अस्पताल में मिसाइल हमले से बचे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल कीव में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये उसी अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिस पर रूस ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आठ जुलाई की सुबह कीव पर मिसाइलों की बरसात शुरू हुई और कीव के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। सुबह 9:50 पर कीव पर पहली मिसाइल गिरी। कीव के डाउनटाउन इलाके में रूस की पहली मिसाइल गिरी। दूसरा धमाका जुलियानी हवाई अड्डे के पास सुना गया। तीसरा धमाका ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुआ। इसके बाद मिसाइलों की बरसात होने लगी। कीव में जगह जगह मलबे का ढेर है। गलियों में एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि इतना बड़ा हमला कीव पर कभी नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले कीव में इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी।
Шевченківський район Сирець. Ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок, десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. Робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи йдуть і в цьому. कीव में चारों ओर विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। कीव के सोलोमंस्की क्षेत्र में एक ऑफिस की इमारत नष्ट हो गई। होलोसिविस्की में कई गैराज में आग लग गई और 50 से ज्यादा कार जल गई। नेप्रोवस्की में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। दार्नित्स्की में भी 3 इमारतों को नुकसान हुआ है। स्वात्सोनिश्की में मिसाइल गिरने से 100 मीटर के दायरे में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वो नुकसान है जिसका आकलन शाम तक कीव प्रशासन नहीं कर पाया है। रूस के हमलों से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने में 2 दिन लग सकते हैं। रूस ने एक साथ कीव पर कई हथियारों का प्रयोग किया है और इसीलिए विनाश इतने बड़े स्तर पर हुआ है। रूस ने कीव हमलों के लिए TU-22 न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इस बॉम्बर से कीव के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। दूसरा हथियार है रूस का MiG-31K फाइटर जेट। इस फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए हैं। तीसरा हथियार है इस्कंदर के मिसाइल। ये रूस की सर्फेस टू एयर मिसाइल है। इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक होती है। इसके साथ ही काला सागर से भी कीव पर मिसाइल हमले किए गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव पर हमले किए। काला सागर के बेड़े से KH-101 और KH-555 मिसाइलें लॉन्च की गई। कीव सिटी सेंटर के तारस शेवेंको पार्क के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं। बॉर्डर और निवकी में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन की राजधानी में एनर्जी कंपनी डीटेक पर भी एक मिसाइल गिरी। इस हमले में पावर स्टेशन तबाह हो गया। यह पावर स्टेशन 30% कीव में बिजली सप्लाई करता था। यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये वोरोनिश पर यूक्रेन के हमले का प्रतिशोध है और कीव पर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। सात जुलाई को यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश हथियार डिपो पर मिसाइल हमला किया था जिसमें रूस के हथियार ध्वस्त हो गए थे। वोरोनिश का प्रतिशोध भयंकर है। यूक्रेन की राजधानी में जनता पर इससे बड़ा संकट अब तक नहीं आया। इस हमले में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 8 जनवरी 2024 को रूस ने हमले किए थे। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला हुआ है। 8 जनवरी के हमले में सिर्फ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए थे। 8 जुलाई को कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए। रूस ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने 40 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और इनमें करीब 20 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यूक्रेन के पास एक भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। इसीलिए कीव में इतना बड़ा विनाश हुआ है और इतने ज्यादा लोग 2.5 साल में पहली बार मारे गए हैं। कीव के सबवे स्टेशन को बंकरों में बदल दिया गया है। कीव की जनता ने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में शरण ले रखी है। ये माना जा रहा है कि रूस एक बार फिर कीव पर बड़े हमले करेगा और इस बार तबाही 8 जुलाई की सुबह से ज्यादा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूसी फौज जिस तरह से बारूदी वज्रपात कर रही है उससे यूक्रेन की राजधानी कीव में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी फौज कीव की सुरक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेन में जान माल पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में जलजला आ गया है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने 6 महीने के बाद अचानक इतना विध्वंसक धावा क्यों बोला। ताबड़तोड़ धमाके, हर तरफ आग, बर्बादी की ज्वाला। तबाही का धुआं, रूसी सेना ने जिस तरह से बारूदी वज्रपात किया उससे यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया। कीव में विनाश की ऐसी आग भड़की है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। कीव में हड़कंप मचा हुआ है। ज़ेलेंस्की और उनके सेना अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेनी धरती को रूस के जलजले से बचाएं तो बचाएं कैसे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक के बाद एक 40 मिसाइलों की बरसात की। रूस का धमाका सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं था बल्कि विनाश का विध्वंसक ब्लास्ट यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में हुआ। कीव में 40 मिसाइलें फायर की गई तो बाकी शहरों में 60 मिसाइलें, यानी कुछ ही घंटों के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें ताक दी। यूक्रेन एयर डिफेंस की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में वो इन हमलों को रोक नहीं पाया और यूक्रेनी शहर ध्वस्त हो गए। 9 जुलाई को नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेटो रूस को काउंटर करने का प्लान तैयार करेगा। बैठक से ठीक एक दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन में महाविस्फोट कर नेटो देशों को खौफनाक संदेश दे दिया। कीव विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहा है ये हम आपको दिखा चुके हैं। अब यूक्रेन के बाकी शहर किस तरह से जल रहे हैं उसकी रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की के गृह राज्य क्रिवी रिग में रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर था। इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलों ने रिहायशी इलाके को भी हिट किया। हमले में एक दर्जन लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के हथियारों को जलाया। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। मिसाइल ने एक इमारत को भी बर्बाद कर दिया। यहां भी 6 आम नागरिक मारे गए। नीप्रो में रूस के हमले से 8 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आधा दर्जन लोग मारे गए हैं। 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। सुमी में रूस ने विध्वंसक हवाई हमला करके यूक्रेनी सेना के एक दर्जन ठिकानों को मलबे में बदल दिया। खेरसोन में रूस ने इतना विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी सरेंडर करने को मजबूर हो गई। निप्रोपेत्रोवस्क में रूस की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हो गईं। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन में इस बार रूसी सेना ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। यूक्रेन को 24 घंटे में जिस तरह का जख्म मिला है उससे उबरने में उसे बहुत वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कीव के अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के किन शहरों को जलाया, वहां यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है, आंकड़ों के जरिए अब इसे भी जानिए। क्रिवरी में रूस के हमले में 3 पावर स्टेशन, 2 गैस स्टेशन और 2 हथियार डिपो तबाह हो गए।
स्लोवयांस्क में यूक्रेन की दो हथियार फैक्ट्री, 7 इमारत और 4 गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। सूमी में रूस की मिसाइलों ने 6 इमारतों को धराशायी कर दिया। यूक्रेनी सेना के 11 ठिकाने बर्बाद हो गए। 3 पेट्रोल पंप में भीषण आग लग गई। नीप्रो में रूस ने यूक्रेन के 5 ऑयल डिपो, 3 हथियार गोदाम और 8 इमारतों को खंडहर बना दिया। निप्रोपेत्रोस्क में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहां रूस ने एक एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में कई हथियारों समेत यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। यहीं पर यूक्रेन की 2 मिसाइल डिपो थे, उसमें भी आग लग गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के एक Su-25 को जला दिया। 2 पेट्रियट और 3 हाइमास का वजूद भी मिटा दिया। यूक्रेनी फोर्स पिछले एक हफ्ते से अटैक एमएस मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को दहला रही थी। रूस का ये जलजला इसी का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन में 8 जुलाई को महातबाही की 2 वजह और हैं। पहला, 9 जुलाई से वॉशिंगटन में होने जा रही नेटो समिट। दूसरा, यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 फाइटर जेट। रूस ने यूक्रेन में यह वज्रपात तब किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड में थे। जिस वक्त यूक्रेन और पोलैंड में सुरक्षा समझौता हो रहा था, उसी वक्त पुतिन की सेना यूक्रेन को जला रही थी। यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसके लिए रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड और एयरबेस को भी टारगेट किया। इस हमले के साथ ही पुतिन ने नेटो को साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिमी देशों की मदद ही यूक्रेन के संपूर्ण संहार की वजह बनेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलों से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 30 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। नेटो ने यूक्रेन में रूस के हमलों की ना सिर्फ निंदा की है, बल्कि रूस को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। लेकिन ऐसी धमकियों से पुतिन डर जाए, यह मुमकिन ही नहीं है। पुतिन और उनकी सेना के इरादे बहुत ही खतरनाक है। अगले कुछ दिनों में रूस ऐसा हमला कर सकता है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 13 ऊर्जा ठिकानों पर रूसी हमले हुए हैं। यूक्रेन के 4 शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। 4 शहरों में गैस सप्लाई भी बाधित हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच इंतकाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर रह रहकर बड़ी तबाही कर रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के कई देश हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कीव पर हमले के बदले का प्लान सिर्फ कीव नहीं बल्कि पेंटागन में भी बनेगा। यानी अब बारी यूक्रेन की है। कीव में तबाही की कहानी के साथ ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि अब पुतिन फुल एंड फाइनल के मूड में है और कीव पर फाइनल हमले का दौर शुरू हो चुका है। अब अगर कीव को बचाने के लिए नेटो ने बड़ा कदम उठाया तो यह युद्ध एटमी फेज में भी जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन की सरकार yeah.
और यूक्रेन के वजूद को बचाए रखने के लिए ही नेटो अरबों डॉलर का बारूद भस्म कर चुका है। ये वही कीव है जिसे महफूज रखने के लिए दर्जनों एयर डिफेंस की तैनाती की गई। कीव की ऐसी लाचारी, बेबसी और तबाही देखकर दुनिया हैरान है। क्या इस तबाही की वजह सिर्फ रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या फिर नेटो की बेरुखी? सवाल है कि क्या कीव में तैनात सभी एयर डिफेंस खाली हैं? कीव की सुरक्षा को लेकर नेटो ने कुछ नहीं किया? क्या महीनों से कीव का सुरक्षा कवच खोखला है? रूस की मिसाइलों ने उसी कीव को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आ चुके हैं, ऋषि सुनक और मैक्रो जैसे ताकतवर लीडर्स आ चुके हैं। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रहते हैं, यही से युद्ध की रणनीति बन रही है, लेकिन आज तक कीव की ऐसी हालत कभी नहीं हुई। अब कीव पर ताबड़तोड़ हमले से नेटो में खलबली है। इस हमले से ठीक पहले ब्रिटेन और नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। ओडेसा में तबाही का जायजा लेने के साथ ही दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान कर दिया था। नीदरलैंड्स यूक्रेन को पैट्रियट देने जा रहा है क्योंकि कीव में जो धमाके हुए वो मजबूत एयर डिफेंस के रहते बम के नहीं थे। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अमेरिका और नेटो को भी रूस के खिलाफ अभियान शुरू करने का मौका दे दिया है। कीव के ये धमाके विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका कीव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका से घातक मिसाइलों की सप्लाई की जा सकती है। यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज के हथियारों का ऐलान हो सकता है। अमेरिका अपने हथियारों से रूस के सभी शहरों को निशाना बनाने की छूट दे सकता है। फिलहाल अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन उन्हीं जगहों पर हमले कर सकता है जहां से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं या फिर यूक्रेन पर हमले के लिए सेना का जमावड़ा है। लेकिन कीव पर हमले के बाद अमेरिका भी यूक्रेन को अटैक एमिस से रूस के दूसरे शहरों पर हमले की छूट दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा। बदला लेने के लिए रूस बाल्टिक देशों पर हमले की शुरुआत कर सकता है। रूस पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों पर मिसाइल बरसा सकता है। यूरोप और नेटो देशों पर हमले के बाद जंग का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। कहने को यूक्रेन का सुरक्षा कवच ऐसा है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन जमीन को छू नहीं सकता। कीव समेत कई अहम इलाकों में पेट्रियॉट एयर डिफेंस की तैनाती है। इसी एयर डिफेंस से हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने का दावा भी किया गया था। अमेरिका और नॉर्वे के सहयोग से बनाया गया नैसाम्स डिफेंस भी यूक्रेन के कई इलाकों को मिसाइल और ड्रोन के हमले से बचाता है। जर्मनी का आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में तैनात है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की थी। कीव में एस्पाइड की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन के पास S-300 एयर डिफेंस भी है जो ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है। कीव में इस विध्वंस के बाद ज़ेलेंस्की इंतकाम की तैयारी कर रहे हैं। नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद ज़ेलेंस्की पोलैंड गए जहां कई समझौते होने वाले हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की एक मांग से जाहिर हो गया है कि इंतकाम का सिलसिला समुद्र से शुरू होगा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से पनडुब्बी की मांग की है।
यूक्रेनी नेवी चीफ ने नेटो से छोटी सबमरीन भेजने की गुजारिश की है और ओडेसा के तट पर सबमरीन की तैनाती को जरूरी बताया है। यूक्रेन इससे पहले अपनी सुरक्षा और जमीन बचाने की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब ज़ेलेंस्की रूसी शहरों और क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन को अटैक एमएस जैसी मिसाइलें तो मिल गई हैं, लेकिन काला सागर के लिए यूक्रेन को कोई हथियार नहीं मिला है। यूक्रेन काला सागर से रूस के कई इलाकों पर हमले की प्लानिंग में है। रूसी युद्धपोत और क्रीमिया पर प्रहार के लिए सबमरीन की मांग की गई है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की नई डिमांड अमेरिका की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका को सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उन बाल्टिक देशों की भी चिंता है जिन्हें रूस कभी भी निशाना बना सकता है। एक बार फिर रूस से फिनलैंड के लिए धमकी जारी हुई है। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने बनाने की भी तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर ये समझा जा सकता है कि रूस के लिए ये बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर रूस के नजदीक नेटो के सैन्य ठिकाने बनाने का मतलब है रूस पर सीधा हमला। यहाँ के सैन्य ठिकानों से अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें कुछ ही सेकंड में मॉस्को पर बारूद बरसा सकती हैं। कीव में इन धमाकों के बाद बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। समीक्षा हो रही है कि कीव के कवच को रूसी मिसाइल भेजने में कामयाब रही। और इस वक्त बड़ी खबर पोलैंड से आ रही है। पोलैंड में मौजूद है ज़ेलेंस्की और वहां आपात बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट के साथ चर्चा की है ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से ही। रूसी हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से भी बातचीत की है और पोलैंड से भी आपात बैठक बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई है। साथ ही बाइडेन से भी ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से ही बात की है। लेकिन बारूदी भूचाल सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में ही नहीं बल्कि इसराइल में भी देखने को मिला है, जहां हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागते हुए उत्तरी इसराइल के करीब 80% हिस्से को राख कर दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने आईडीएफ के एयरबेस, रडार स्टेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रूम को भी आसमानी हमले में तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले चंद घंटों में विनाशक हमले का खतरा सिर्फ इसराइल पर ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद इसराइल समर्थक देशों पर भी है। आखिर कैसे, आप ही देखिए। साठ से ज्यादा मिसाइलें, एक सौ पचास से ज्यादा रॉकेट प्रहार, सत्तर से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन विस्फोट, सात अक्टूबर 2023 के ठीक 9 महीने बाद फिर से इसराइली धरती बम गोला बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इसराइली सरजमी को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्ला संगठन ने किया। हो
गौर करने वाली बात यह है कि हिज्ब लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। दिन दहाड़े हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इसराइल के कोने कोने में बारूदी भूचाल ला दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर नॉनस्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इसराइल के माउंट हर्मन, मेरोन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्ला के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। IDF का एयरबेस, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रूम और सैन्य सर्वेक्षण केंद्र तबाह हुए। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला ने इसराइल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्ला को मिला होगा और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने मिसाइलों और रॉकेट से हमला करते हुए उत्तरी इलाके के 80% को जलाकर राख कर दिया। हिजबुल्ला का सबसे भीषण अटैक उत्तरी इसराइल के माउंट मेरोन इलाके में देखने को मिला। हिजबुल्ला ने IDF के मेरोन एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने मेरोन एयरबेस पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरोन एयरबेस पर मौजूद इजरायली सेना का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन तबाह हो गए। इस हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए। जब से इसराइल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी भड़क रही थी, तभी से यह तय माना जा रहा था कि हिजबुल्ला पलटवार करेगा, मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा न तो इजरायली सेना को था और न ही इजरायली PM नेतन्याहू को। लेकिन इसराइल को दहलाने का काम सिर्फ हिजबुल्ला ने ही नहीं किया, बल्कि यमन के हूती लड़ाकों ने भी दक्षिणी इसराइल के इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीते 24 घंटों से इसराइल में जो बारूदी कोहरा मचा है, उसका प्लान हिजबुल्ला हूती ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। दरअसल जैसे ही ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला आया, उसी के साथ अरब में ईरान ने इसराइल के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला को हमले की जिम्मेदारी, दक्षिणी इसराइल पर हूती लड़ाकों को अटैक का जिम्मा, अरब में इसराइल समर्थक देशों को युद्ध की चेतावनी दी। ईरान का मकसद साफ है, दो तरफ से इसराइल पर अटैक और इसके साथ साथ इसराइल समर्थकों में खौफ फैलाना, और इसके लिए ईरान ने हूती लड़ाकों को मिशन पर लगाया है। हूती ने पहले तो UAE को धमकी दी और अब हूती ने सऊदी अरब को भी अटैक वार्निंग दे दी है, बाकायदा सऊदी अरब के ठिकानों की हिट लिस्ट जारी करके। मतलब ये कि अरब में महाजंग के बिसात बिछ चुकी है, ईरान ने अपने मोहरे चल दिए हैं। अब ये देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इजराइल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।